तो ये आज आप मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी अपनी स्टोरी, तो कैसे मैं स्पेन में आया और कैसे मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और अभी कैसे हालात हैं हमारे। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो अभी तो आज वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, फिर से धूप निकली हुई है। पहले तो दो दिन मौसम अच्छा था तो बादल हो रखे थे, लेकिन अभी आज फिर से धूप निकल गई है। तो जी घर पे पहले आते ही पहला काम इसको बाहर लेकर जाना है, इसने सुसु पोटी करना होता है। तो ये भी मेरे पास एक कुत्ता है, तो इसका जो किसको ब्रीड है, ये ब्रीड बॉर्डर कॉली है। तो इसका इंग्लिश में जो भी नाम है ना, मैं उसको मैं टाइप कर दूंगा। और चलिए फिर इसको लेकर चलते हैं बाहर। तो ये वाले कुत्ते तो वैसे तो काफ़ी एक्टिव हैं ये, लेकिन इसको घर में रखने का बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि इसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो मतलब हर दिन कंघी करनी पड़ती है तभी इसके बाल सेट रहते हैं। अगर ना करूं तो बहुत ज़्यादा इसके बाल ना गिरते बहुत ज़्यादा इनके। नया दिन नई शुरुआत, तो ये नेक्स्ट डे भी मैं जा हम जा रहे हैं अपना और एक जगह में नई वीडियो शूट करने के लिए। तो मैं बात कर रहा था कि मैं स्पेन कैसे आया और कब पहुंचा और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो मैं बता दूँ आपको कि मैं आज से 9-10 साल पहले मैं स्पेन में आ गया था। और स्पेन आने के बाद तो मैंने पहले जॉब की है, और जॉब करने के बाद फिर जब मैं जॉब कर रहा था तो उसी टाइम मेरी मुलाकात मेरी अब वाइफ से हुई थी। तो हमने लगभग हमने एक साल डेट किया और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग शादी कर लेंगे। तो फिर हमने अपने फैमिली मेंबर से बात की और बात करने के बाद हमने अपनी मैरिज की, पहले हमने एंगेजमेंट की, एंगेजमेंट करने के बाद फिर हमने शादी की डेट फिक्स कर ली। और उसके बाद फिर थोड़ा टाइम निकला, निकलने के बाद जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपना बिजनेस कर लेता हूँ। तो मैंने फिर अपना बिजनेस शुरू कर लिया, तो तब से मतलब चल रहा है। फिर बीच में कोविड आ गया था, थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक चल रहा है। तो फिर एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि अपनी, और फिर मैंने अपनी वाइफ से मैंने डिस्कस की, मैंने बात की कि ऐसे करते हैं कि हम लोग अपना एक ना यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। तो फिर हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो क्योंकि मेरी वाइफ ने बोला ठीक है तो कर लेते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी मैं जैसे मुंबई का निकले हैं या फिर अपने और यूट्यूबर्स हैं, तो हम मैं उनको काफ़ी टाइम से तो देख रहा था। तो सबसे पहले मैंने मुंबई का निकल को देखना शुरू किया, उसके बाद फिर मैंने अपना ट्रैवलिंग देसी जो भाई हैं मोहित भाई, तो मैंने उनको देखना शुरू किया। तो उसे देखते देखते फिर और यूट्यूबर्स काफ़ी हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुआ। फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो मैं भी कुछ शुरू करता हूँ। तो फिर सोचने के बाद फिर डिसाइड किया कि चलो एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं। तो फिर हमने एक चैनल फिर हमने बनाया हिंदी में, दूसरा चैनल बनाया मैंने स्पेनिश में। तो बात करते हैं जी अभी हम अपनी जॉब की और बिजनेस की। तो मेरा यहाँ पे खुद का बिजनेस है जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लैपटॉप का है, और उसके साथ साथ मेरा मोबाइल का भी बिजनेस है। फिलहाल ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट जो है मैं दिखा रहा हूँ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, क्योंकि मैंने उसके कोर्सेज़ किए हुए हैं, और जैसे कि मैं नेटवर्किंग का किया हुआ है तो ये मुझे इसका एक्सपीरियंस है, तो मैंने यही यहाँ पे शुरू किया हुआ है, तो मेरे लिए बेस्ट है। तो अभी फ़िलहाल अच्छा चल रहा है ये वाला काम। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल खोलने का यही मकसद था कि जैसे मुझे ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद है, तो चलो मैंने ये सोचा कि चलो ट्रैवलिंग तो करते हैं, ट्रैवलिंग करते करते साथ साथ जो मेमोरीज है उसको हम कैप्चर कर लें। तो फिर ऐसे ही मैंने सोचा चलो मेमोरीज को हमने कैप्चर तो करना ही है, क्यों ना हम अपना एक्सपीरियंस आगे शेयर करें
इसी वजह से मैंने कहा चलो ठीक है, तो हम लोग जैसे जहाँ पे भी घूमने जाते हैं तो उस उनको वीडियो को हम कैप्चर करके आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये ऑफिस से अभी मैं घर पे आ चुका हूँ, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी यहाँ स्पेन में हो रखी है। तो ये थी मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो इसमें मैंने आपको बताया कि मेरा बिजनेस के बारे में, और मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो उस चैनल की सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपने पूछना हो तो आप कमेंट्स में लिखें, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो ये मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।